हाँ निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। मैं अपने देश को जिताना चाहती हूँ, मैं गोल्ड मेडल जाना चाहती हूँ अपने देश के लिए। भाई सभी को बोलता हूँ घर बैठे बैठे और स्पोर्ट का वो ध्यान रखें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे शहर के हैं या देश के हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी खेलों पर ध्यान दें, उनका सहयोग करें। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट टीवी पर चल रहा है, तो क्रिकेट के शौकीन भी इंडिया में बहुत हैं, लेकिन और भी स्पोर्ट्स हैं जो लोगों को देखने चाहिए। यहाँ पर हमारे पीछे देखिए छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना पसीना यहाँ पर बहा रहे हैं, और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पहले दिखा दें ये कितना पसीना यहाँ पर बहा रहे हैं, कितने दिन कितनी देर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। राहुल से कहूँगा, राहुल आगे आकर दिखाइए एक एक युवक को कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। छोटी बच्ची भी यहाँ पर हैं, छोटे छोटे बच्चे, जहाँ इस दौर में हम फिटनेस को लेकर इतने चिंतित नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर देश के लिए मेडल लाने की मेडल के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। हमारे साथ संजय पहलवान जी हैं और इंद्रेश पहलवान जी भी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ऑन नेटवर्क में, और हमें परमिशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम शूट कर पाएँ। सर कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी 3 बजे आ जाते हैं जी, और 7:30-8 बजे तक रेगुलर प्रैक्टिस होती है। अच्छा संजय जी, हमें एक बात बताइए, एम क्या रहता है कि जब आप पहलवानी स्टार्ट करते हैं तो किस एम के साथ करते हैं कि मुझे नेशनल लेवल तक जाना है, इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, तो किस एम के साथ तैयारी करते हैं? इंटरनेशनल लेवल तक के जाएं जी, उसके लिए करते हैं, देश को मेडल लाएं। अच्छा हाँ जी। और कितने बच्चे अभी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे? बच्चे तो कोई अभी फिलहाल तो कम है लॉकडाउन की वजह से, अन्य बच्चे कोई 40-50 बच्चे हैं यहाँ। 40-50 बच्चे। और जो सबसे छोटी कम उम्र का बच्चा कितने साल का है यहाँ पे जो आपके यहाँ प्रैक्टिस करता है? सबसे छोटी उम्र का ये लड़की है। अच्छा। ये 8 साल की है। 8 साल की बच्ची। हाँ जी। अच्छा, और इनका डाइट वगैरह कैसे करते हैं, सबको सिखाते हैं कि कौन कौन सी डाइट आपको लेनी है, कौन कौन सा खाना आपको खाना है, फूड थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना के दौर में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो दर्शकों को भी बताइए कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए आपको इम्यूनिटी बेहतर रखने के लिए। नहीं जैसे कि बादाम हुए, बादाम के साथ बादाम है, घी है जी, और जैसे फ्रूट हैं, दूध हैं, मक्खन है जी, ये चीज़ देते हैं, ये चीज़ खानी हाँ चाहिए, प्योर शाकाहारी। इंद्रेश जी भी हमारे साथ हैं, इंद्रेश पहलवान जी, जी आप भी कुछ कहेंगे सर देशवासियों के लिए कि क्रिकेट ही ना देखें भाई, और भी स्पोर्ट्स हैं देखें और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करें जी। देखिए सर, मैं तो सभी देशवासियों से ये अपील करूँगा कि आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर, इस इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही महत्व दी जाती है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, वो चाहे इस देश का नेता हो अभिनेता हो, उनसे रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि इस देश के अंदर खेल बहुत सारे हैं, जैसे आज हमारे पहलवान हैं, इनके लिए कोई भी सरकार की ओर से कोई ऐसी कोई वो सुविधा नहीं दी जाती है। मैं आपके लिए बता दूँ कि लगभग 15 साल से, ये आज हम आप लोग हनुमान अखाड़े से हैं, हम लोग यहाँ से लगभग 15 साल हो गए, यहाँ के विधायक, MP, चेयरमैन, ये सब लोग रह चुके हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इनकी कोई मदद नहीं की है। ओके। हाँ जी, आज ये है कि आज इनका सौभाग्य, आज ये मैट पर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ पर ये मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे तो होता क्या था, जिस वक्त यहाँ से जिले के लिए या फिर प्रांत के लिए नेशनल के लिए क्वालिफाई करते थे तो वहाँ पर जाकर लोग फेल हो जाते थे, क्योंकि इनके पास में मैट की सुविधा नहीं थी, तो इस कारण से ये आज मैट की सुविधा हुई है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे शहर के हैं या देश के हैं जी, जी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी खेलों पर ध्यान दें, उनका सहयोग करें जी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात ने बात कही सर ने कि जो रुड़की से विधायक हैं और जो जिले के सांसद हैं उनको ध्यान देना चाहिए, परिस्थितियों में ध्यान देना चाहिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट पे हमारा देश बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन अन्य स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जो ओलंपिक में मेडल लाए, कॉमनवेल्थ में मेडल लाए जी। आगे भी चलते हैं सर, परमिशन है जा सकते हैं जी, और भी लोगों से हम बात करेंगे। ये देखिए प्रैक्टिस करते हुए हम दिखा रहे हैं, राहुल शूज़ उतारिए और प्लीज़ आइए अंदर, प्रैक्टिस करते हुए हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए कितनी मेहनत यहाँ पर करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कितने कितने। ये देखिए सबसे छोटा बच्चा जी, इधर आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? वरदान पहलवान। वरदान पहलवान, अरे बड़े पहलवान, एक बार बॉडी दिखाओ ऐसे करके। क्या करोगे, क्या करोगे देश के लिए, मेडल जीतोगे? गोल्ड मेडल। कौन सा, कॉमनवेल्थ ओलंपिक? ओलंपिक। ये ओलंपिक मेडल जीतोगे, तो अभी पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, वो कैसे करते हो, दोनों साथ साथ करते हो? हाँ जी। कैसे मैनेज करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो? पढ़ते हम 2 घंटे और फिर यहाँ अखाड़े पे 3 बजे जाते हैं। 3 बजे आके 8 बजे सर ने कहा। हाँ जी। तो पूरा पसीना बहाते हो, तो यही करना है। हाँ जीवन में मेडल लाना है देश के लिए। एक बार नारा लगाओ,
कि मेडल ला के ही रहूंगा मैं, मेडल ला के ही रहूंगा मैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया करिए प्रैक्टिस, और लोगों से भी हम जानेंगे, युवा लोग भी, इनको देखें सर दिखाएं बिल्कुल प्रैक्टिस करते हुए जी, इनका भी हम जानेंगे। नोटियाल जी हमारे साथ है, सर कैसे बनती है ऐसी बॉडी हमें बताइए। सर ये मेहनत से बनती है, मेहनत से हमारे सर पराठे खा के ये बाहर आ गया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा मोहित कुमार नोटियाल। नोटियाल जी कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। अच्छा और कोई स्पेशल डाइट आप लेते हैं? नहीं स्पेशल नॉर्मल डाइट रहती है। नॉर्मल डाइट। तो अभी किस चीज़ की तैयारी, किस चीज़ पर आपका निशाना होगा? ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या फिर जो दंगल होते हैं शहरों में, आम शहरों में, क्या एम के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं अभी हमारा स्कूल नेशनल होने वाला था, तो होने का अगले साल खेलेंगे। अभी आप स्कूल में हैं, कौन सी क्लास में आप? मैं 11th में हूँ। 11th में जी। कौन से स्कूल में? BSM इंटर कॉलेज। अच्छा तो वहाँ प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और आपका नेशनल होने वाला है उसकी तैयारी है जी। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, और संदेश लोगों के लिए जो क्रिकेट देखते हैं उनको बोलिए भाई और स्पोर्ट्स भी देखा कीजिए। भाई सभी को बोलता हूँ घर बैठे बैठे और स्पोर्ट का वो ध्यान रखें, गेम का, गेम्स का, सबको यही है जी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात, एक बार सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल के कप्तान थे हमारे, सब लोगों से कहा था कि भाई सारे खेल हमें एक ही स्तर के चाहिए, भारत में सबको एक ही लेवल पर लाना है। और यहाँ पर मेहनत देखिए सबकी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं जी। और प्राची हमारे साथ है, सबसे छोटी बच्ची, आइए बेटा इधर आइए जी। अच्छा जी दो बच्चे हमारे साथ हैं, आप नाम बताइए अपना। वंशिका पहलवान। वंशिका पहलवान, अच्छा पहलवान ही लगाते हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया। आपका नाम? प्राची पहलवान। प्राची पहलवान। दो गीता और बबीता। चलिए बेटे छोरी हैं, छोरों से कम नहीं है जी। क्या किस एम के साथ तैयारी कर रहे हो बेटा? मैं अपने देश को जिताना चाहती हूँ, मैं गोल्ड मेडल जाना चाहती हूँ अपने देश के लिए। अच्छा पता है कहाँ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलते हैं गोल्ड मेडल बताइए? दूर दूर जाते हैं लोग, वहाँ वहाँ मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे दूर दूर? पता नहीं। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जी जी जी, पूना ये दूर दूर स्टेट में होता है, इसके लिए हम खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम जीतते हैं तो गोल्ड मेडल मिलता है। कुश्ती काटनी पड़ती है हमें, जो मेहनत यहाँ करते हैं वो मेहनत हम वहाँ पर दिखाते हैं। अच्छा कब सोचा आपने कि हमें जीवन में कुश्ती करनी चाहिए? अपने ये हमने भी सोचा है कि हमें कुछ करना चाहिए देश के लिए, ये हमारे हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाएगा और हमें और बच्चों को भी लेके साथ चलना चाहिए। और लड़कियों के लिए क्या संदेश, जो फिट रहती हैं आइए, क्योंकि कई लड़कियां हैं बाहर घूमती हैं, मेकअप खराब हो जाए तो रोती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आपका? फिटनेस पे ही ऐसी बाहर की चीज़ें खाते, मोमो बर्गर ऐसी ये नहीं खानी चाहिए, अपनी घर की चीज़ खानी चाहिए, जो मम्मी पापा ऐसी चीज़ लाते हैं वे खानी चाहिए, इससे नहीं खानी चाहिए कि बाहर से लाओ और खाओ, ये नहीं, ये गलत है। फ्रूट वेजिटेबल्स खाने चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जी जी। कुछ करिए हमें, दिखाइए हमारे दर्शकों को, हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे, उसके बाद मैं भी मैदान में उतर सकता हूँ अगर मेरी हड्डी बची तो। चलिए एक बढ़िया मैच हो जाए सर, बढ़िया मज़ा आ जाए। मैच हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को, सिर्फ और सिर्फ द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम ही आपको ऐसा दृश्य दिखाएगी, जो देश से जुड़े हुए युवा हैं जो सपना देख रहे हैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का, मेडल लाने का जी। इधर दिखाइए राहुल जी, दो पहलवान हमारे बीच, और फैसला कैसे होगा जी? बहुत मेहनत यहाँ पर लगती है कुश्ती में, हम दिखा रहे हैं आपको। और कुछ हमें दिखाइए और हमारे दर्शकों को, जो लोग आपको देखेंगे, पूरा शूट कीजिए पूरा यहाँ पर, पूरा सब लोग कर रहे हैं, सब लोग देखिए किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। तो जीवन में एक ही सपना, सिर्फ देश के लिए गोल्ड लाना, ओलंपिक हो चाहे वो कॉमनवेल्थ हो। काफी मेहनत का काम है ये, सोचना चाहिए देशवासियों को। किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही थी, किस किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं आपको, एकेडमी का नाम बताइए हमें। हनुमान अखाड़ा, और उनके गार्जियन आते हैं उसके एडमिशन होते हैं नेहरू स्टेडियम में। 2 व्यायामशाला है हमारे पर, एक नेहरू स्टेडियम है। हनुमान जी अखाड़ा। हाँ जी हनुमान अखाड़े के नाम से 2 व्यायामशाला है, एक तो नेहरू स्टेडियम में, एक मथुरा विहार कॉलोनी है उसके अंदर है, वहाँ पर 2 है। उनके गार्जियन आते हैं, बाकायदा इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है। हाँ टेस्ट होता है। होता है सर? टेस्ट होता है बच्चे की पढ़ाई, पढ़ाई के बारे में, नॉलेज के बारे में, अगर उसे नॉलेज होती है स्पोर्ट्स में तब लिया जाता है, तब लिया जाता है, जबरदस्ती कोई नहीं होती, जबरदस्ती कोई नहीं। अगर बच्चे को रुचि है तो लेते हैं, वरना नहीं लेते। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। नेहरू स्टेडियम है, संजय पाल सर है, संजय पहलवान जी हैं, हनुमान अखाड़ा है। अगर आप सपना देख रहे हैं जीवन में देश के लिए गोल्ड लाने का कुश्ती में, तो चले आइए घर से
और हनुमान अखाड़ा, संजय पहलवान जी यहीं पर मिलेंगे। और कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है? हाँ निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, निःशुल्क है। आइए और कुश्ती सीखिए, हर दांव आपको सिखाएंगे जिससे करेंगे आप देश का नाम रोशन। देश के खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाइए, सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं बाकी खेलों का भी सबका। अगर आप देखते हैं कुश्ती, प्रोत्साहन कीजिए और बढ़ाइए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।